हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिक्स्थ पार्ट ऑफ HTML सीरीज। आज की वीडियो में हम देखेंगे कमेंट और इंडेंटेशन। और अगर आपको कमेंट और इंडेंटेशन समझ नहीं आई है या कोई आपको कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें। मैं आज इस वीडियो में आपको कमेंट और इंडेंटेशन के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा। सो कमेंट और इंडेंटेशन क्या होती है? तो सबसे पहले हम इंडेंटेशन देखते हैं। इंडेंटेशन क्या है हमारे पास? आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हम कोड जब लिखना शुरू करते हैं तो हमारा जो सबसे पहला टैग होता है, सबसे पहले हम HTML का टैग ओपन करते हैं और उस HTML के टैग में हम एक हेड और एक बॉडी का टैग ओपन करते हैं। हेड में ही बॉडी का टैग ओपन नहीं कर दिएगा, हेड अलग है एंड बॉडी का टैग हमारे पास अलग है। तो दो टैग होते हैं हमारे पास, एक HTML में एक हेड का और एक बॉडी का। अच्छा, मैं यहाँ पे एक काम करना भूल गया हूँ। चलें, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ मैंने क्यों किया है इसे। राइट, सो ये हमारे पास HTML में हम दो टैग ओपन करते हैं, दो चाइल्ड होते हैं, एक हेड चाइल्ड होता है और एक बॉडी चाइल्ड होता है और HTML उनका पेरेंट टैग है। राइट, सो अगर इंडेंटेशन क्या होती है? इंडेंटेशन आपके कोड को मजीद रीडेबल बना देती है और अब मजीद पढ़ने में और अच्छा लगता है, बहुत क्लीन लगता है अगर आप इंडेंटेशन करेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप कॉपी में कोई चीज़ लिख रहे होते हैं और इंडेंटेशन करते हैं और हर चीज़ आप पैरा बनाते हैं तो स्पेसिंग यूज करते हैं। कोड में भी बिल्कुल ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल, एच हेड जो है वो मेरा चाइल्ड टैग है HTML का, तो मैं इसको अगर थोड़ा सा आगे करके लिख दूं तो ये मजीद रीडेबल हो जाएगा। बॉडी भी मेरा HTML का टैग है, HTML का सॉरी हेड है, तो मैं इसको थोड़ा आगे करके लिख देता हूं तो ये थोड़ा और रीडेबल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे टाइटल का टैग जो है हमारे पास, तो टाइटल का टैग हम हेड के टैग के बीच में लिखते हैं, तो जैसे ही मैं इसमें टैब दबाऊंगा, जैसे ही मैं इसमें टैब दबाऊंगा, सॉरी ये क्या कर दिया मैं, ओहो, तो जैसे ही मैं इसमें टैब दबाऊंगा तो आप देख रहे हैं ये ऑटो स्पेस ले लेता है और हेड के थोड़ा आगे चला जाता है। अब ये क्या हो रहा है हमारे पास? मैंने टाइटल का टैग खोला तो उसने इतनी स्पेस ले ली हेड से और हेड ने इतनी स्पेस ले ली HTML से। तो हर चाइल्ड पेरेंट से थोड़ी स्पेस रखता है इंडेंटेशन के अंदर। तो टाइटल हेड से इतनी स्पेस रख रहा है और हेड जो है वो हमारे पास HTML से इतनी स्पेस रख रहा है। राइट, बॉडी भी आपके पास HTML का टैग है, वो भी आपसे इतनी स्पेस रख रही है। और भी इसमें एक चीज बहुत अच्छी होती है हमारे पास कि आप इसे बंद और खुलकर, ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाह रहे कि आप बॉडी के पूरे कोड को देखें तो आप इसको यहाँ पे सिर्फ क्लिक कर सकते हैं और ये यहाँ पे कोलेप्स हो जाएगा। कोलेप्स होगा, गायब नहीं होगा, आप इसको जब चाहें आप इसे दोबारा रीओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मेरे पास H1 का टैग है यहाँ पे और मेरे पास हेडिंग भी लिखी हुई है और मेरे पास यहाँ पे पैरा भी लिखा हुआ है और यहाँ पैराग्राफ भी है मेरे पास, तो आप देख रहे हैं कि कितना सारा कोड अगर मेरे पास है। और अगर मैं इसकी इंडेंटेशन मुझे जो है वो क्लियरली मुझे पढ़ने में दे रही है कि ये टाइटल है और ये मेरे पास हेडिंग है और ये मेरे पास पैरा है और पैरा के अंदर जो कंटेंट है वो बड़ा ही खूबसूरत तरीके से शो हो रहा है। राइट, सो ये जो चीज़ है हमारे पास, ये हमारे पास इंडेंटेशन कहलाती है। राइट, अब ये इंडेंटेशन जो है वो अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से हो, और मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे इसकी स्पेसिंग मिटा देता हूँ, तो आप अगर ये देख रहे हैं कि अब मैं जब इंडेंटेशन हटा रहा हूँ तो मेरी मेरा जो कोड है वो खासा आंखों के लिए मुश्किल हो गया पढ़ना और वो खासा मुश्किल हो गया अब इसको रीड करना हमारे लिए, क्योंकि इंडेंटेशन इसमें नहीं है तो हर लाइन आपको बगौर आंखें खोल के देखनी पड़ेगी, जो कि इंसान के लिए काफी मुश्किल हो जाता है, पर इंडेंटेशन आपको इसमें आसानी बना देती है इसमें। राइट, इंडेंटेशन का फॉर्मेट जो बाय डिफॉल्ट है वो आपको हेड और चाइल्ड को अलग नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो हम इसके लिए एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करके रखते हैं और जिसका नाम है प्रीटियर। मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है। इंस्टॉल एक्सटेंशन में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे प्रीटियर का एक्सटेंशन है जो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। मैं इसे इनेबल कर देता हूँ, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा जैसे मैंने आपको पहले बताया इंस्टॉल करने का तरीका। तो जैसे हम प्रीटियर को इंस्टॉल करते हैं, हम राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ करेंगे और यहाँ प्रीटियर को सेलेक्ट करेंगे आप, तो ये आपके कोड को मजीद
और ज्यादा ब्यूटीफाई कर देगा आपके एचटीएमएल से। हेड का जो चाइल्ड है, हेड जो चाइल्ड है एचटीएमएल का, उससे भी थोड़ा सा इसमें स्पेसिंग दे देगा, और आपके जो दूसरे चाइल्ड हैं वहां पर भी इसमें स्पेसिंग क्रिएट हो जाएगी हमारे पास, राइट। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ, आप डिफॉल्ट यहाँ पे कॉन्फिगर कर सकते हैं कि डिफॉल्ट आपका कौन है, आप प्रीटियर के साथ ही काम करेंगे, राइट। तो जब आप प्रीटियर के साथ काम करेंगे तो आपका जो कोड है वो मजीद ब्यूटीफाई हो जाएगा और मजीद रीडेबल फॉर्म में आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडेंटेशन, आई होप ये आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा। अब एक कमेंट की बात करते हैं हम। कमेंट क्या होता है? कमेंट बेसिकली हम किसी को कोई मैसेज, कोई कमेंट कन्वे करने के लिए हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये मिसाल के तौर पे आपका कोड, दो या चार लोग मिलके काम कर रहे हैं और आप कोई बात उन्हें बताना चाहते हैं कि ये इस लाइन में ये लिखा हुआ या मैंने इस लाइन में ये किया है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं कोडिंग में? तो वो बड़ा आसान है, उसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने एंगुलर ब्रैकेट ओपन करना है, आपने एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करना है और आपने दो डैश यहाँ पे पुट करना है। तो जैसे ही आप पुट करेंगे दो डैश, तो अब आप के पास, ये मेरे पास तो इसने ऑटो क्लोज दे दिया है, लेकिन अगर आपके पास ना दे तो बहुत आसान है, आप इस, आप यहाँ लिख सकते हैं दिस इज माई पैराग्राफ। आप मिसाल के तौर पे किसी को बताना चाह रहे हैं कि आपका पैराग्राफ है, जब आप लिख लें कमेंट तो आप अगेन दो डैश डाल के एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं और ये आपका कमेंट बन जाएगा। अब जब ब्राउजर आपका कोड पढ़ेगा, कोई क्रूम कोई और ब्राउजर आपका कोड पढ़ेगा, तो वो पूरे कमेंट पूरे कोड को तो कोड मानेगा, लेकिन वो इस ग्रीन लाइन को कोड नहीं मानता। कमेंट नॉर्मली ग्रीन लाइन में ही होते हैं, तो जो कमेंट है वो इसको नहीं पढ़ेगा और वो इसको कोड नहीं समझेगा, क्योंकि ये ह्यूमन, आपने किसी ह्यूमन से कन्वे करने के लिए आपने इसको लिखा है। तो कमेंट जो होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, अभी तो नहीं है क्योंकि 6-7 लाइनों का कोड है, बट अगर आपका कोड बहुत लंबा है तो आपके कोड में आप डिफरेंट जगहों पे आप लिख सकते हैं कि कौन से कोड में आपका कौन सा सेक्शन मौजूद है। तो ये बहुत बहुत हेल्पफुल होगा आपको, इसको इस्तेमाल करें, ये जो HTML, ये इसको इस्तेमाल करें और इसको लिखना भी बहुत आसान है। आप इसको मल्टी लाइन में भी लेके जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, राइट। और जहां आपने अगर क्लोज करना हो, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ क्लोज करना है, तो आप यहाँ भी इसको क्लोज कर सकते हैं। तो अब मेरा जो वो कमेंट है वो इतने शुरू से लेके अब आखिर तक उसने पी को भी, यानी अब वो है तो पी टैग, लेकिन वो इसको कोड नहीं पढ़ेगा, वो इसको कमेंट ही समझेगा ब्राउजर आपका। सो दिस इज ऑल अबाउट कमेंट। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आई होप क्लियर हो गया होगा माइंड में आपके। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियोस, अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें और बनाने में मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।